तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल क्रिएटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जहां से आप कोई भी पीसी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो उसमें से। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है, प्लीज़ लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चले जाइए। ये थोड़ा देर लोडिंग लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए, ओपन हो चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सर्च में जाइए। सर्च में जाने के बाद आप OBS स्टूडियो करके सर्च कर दीजिए, या तो OBS करके सर्च कर दीजिए, जैसा मैंने इधर सर्च किया है। उसके बाद ये थोड़ा सर्च लेगा। ठीक है, सर्च लेने के बाद देखिए दोस्तों, इसका जो लोगो है ऐसा है और इसका इंटरफेस आ जाएगा। और उसके बाद आप इधर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद वो आपको डेस्कटॉप के स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब होम पेज पर आ जाएगा। होम पेज पर आने के बाद देखिए दोस्तों, आप उसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना दोस्तों, ये हर एक यूट्यूबर यूज़ करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ही यही यूज़ कीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको शुरू में तो कुछ सेटिंग मिलाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ सीन देख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सीन रख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ प्लस में आना है। ठीक है, प्लस में आने के बाद देखिए दोस्तों, आपको उधर क्या लिखा होगा, सीन टू। अब आपको किसका नाम, कौन सा नाम पर सीन बनाना है, ठीक है, उस नाम पर आप कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं शिवम कर सीन बना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, शिवम कर सीन हो गया। एक सीन गया है ना दोस्तों, कि इस सेटिंग में, इस सीन पर आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए दोस्तों, सीन कर दिया। ठीक है, अभी इसका नेम हो गया। और उसके बाद इसका सोर्स, मतलब आप ये सीन पर क्या करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप उसके लिए सोर्स में जाना होगा। ठीक है, सोर्स में जाने के बाद प्लस में दाब दीजिए। दाबने के बाद देखिए दोस्तों, इधर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। अभी तो मैं डिस्प्ले कैप्चर के बारे में सिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको इधर बहुत ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं अपना देख के। लेकिन अभी हमारा टॉपिक डिस्प्ले कैप्चर पे है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसा किया जाए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं डिस्प्ले कैप्चर कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है ना, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए ये सीन बना हुआ है। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये ओके भी हो चुका है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, शिवम सीन, उसके बाद डिस्प्ले कैप्चर 4, ये भी हो गया। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको ऑडियो मिक्सर इधर, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। तो डेस्कटॉप ऑडियो का मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऑनलाइन टीचर, मतलब आप, अगर आपका कोई भी ऑनलाइन क्लास हो रहा है और आप उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है ना दोस्तों, आपको ये माइक AUX करके है। ठीक है, इसको आपको ऑफ करना होगा। ऑफ करने के बाद आपको डेस्कटॉप ऑडियो जो है ना, ये जो साउंड का ऑप्शन है, एक स्पीकर टाइप में, ये इसको आपको ऑन करना होगा। इसको ऑफ करना होगा और इसको ऑन करना होगा जब आप कोई भी ऑनलाइन क्लास का रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी आप डेस्कटॉप में जो स्क्रीन आ रहा है वही बोल रहा है डेस्कटॉप, तब आपको ये करना है। और जब आप वॉइस ओवर दे रहे हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना के वॉइस ओवर दे रहा हूँ, और मैं अभी डेस्कटॉप का ऑडियो ऑफ किया हूँ और ये जो माइक का ऑप्शन है इसको ऑन किया हूँ। इस क्यों ऑन किया हूँ कि दोस्तों, अभी मैं ये ऑन नहीं करता तो मेरा इसमें वॉइस नहीं आता। ठीक है, मतलब ये मेरा पास ही नहीं करता ये इस रिकॉर्डिंग में मेरा वॉइस, इसलिए मैं इसे ऑन किया और इसे ऑफ किया है। ऑफ क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि अगर मेरे लैपटॉप में कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो वो भी ये साउंड में मिक्स हो जाएगा और आपको कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। मतलब कुछ भी आपका वीडियो में डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। मैं तो यूट्यूब में डालूंगा तो थोड़ा केयरफुली डालना होगा कि भाई वीडियो कैसा डालने जा रहा, उसे थोड़ा देख देख के डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इसे ऑफ किया है और इसे ऑन किया है। और उसके बाद सीन ट्रांजिशन है। ठीक है, ये आपको कुछ नहीं करना है, इसका उतना काम नहीं है। और उसके बाद इधर कंट्रोल का ऑप्शन है। तो कंट्रोल में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, मतलब आप कोई भी यूट्यूब फेसबुक कुछ भी स्ट्रीम करते हैं, लाइव स्ट्रीम, वहाँ पर आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग मतलब अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब वीडियो क्यों बना रहा हूँ दोस्तों, आपको दिखाने के लिए। और वो स्टार्टेड रिकॉर्डिंग करके मैंने ये वीडियो बनाया था। अब इसे स्टॉप करना होगा, वीडियो स्टॉप करने के लिए। ठीक है, इसलिए इधर स्टॉप रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन आया है। आप जब वीडियो बनाने लगेंगे तो इधर आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको एक ऑप्शन आता, आपके मन में एक जो है ना डाउट होगा। ठीक है दोस्तों, कि मैं इसे, ठीक है, रिकॉर्ड तो कर लूँगा, लेकिन वो जा कौन सा ड्राइव में, कौन सा फोल्डर में जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आपको इस सेटिंग में आना होगा। ठीक है,
सेटिंग में आने के बाद देखिए दोस्तों आउटपुट का ऑप्शन है, आउटपुट का ऑप्शन है ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ठीक है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अभी तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो स्पेसिफिक फाइल में जा रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं इसमें मिला सकता। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले सेटिंग में जाइए, उसके बाद आउटपुट में आ जाइए। आउटपुट में आने के बाद रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग में ब्राउज का ऑप्शन है ठीक है। इधर आप देख सकते हैं मेरे क्रॉसर इधर है, ब्राउज का ऑप्शन है। तो इसमें सिंपली आप जाके ब्राउज में जाइए और अपना ड्राइव सेव कीजिए, फोल्डर सेव कीजिए, मतलब फाइल सेव कीजिए, उसके बाद फोल्डर, उसके बाद किस किस में जाना है उसमें आप सेलेक्ट करके ओके दाब दीजिए। ओके दाबने के बाद आपको जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें जाके सेव होता रहेगा ठीक है। आपको तो ये पता है उसके बाद ये ब्राउज में जाके क्या क्या करना है, वो तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अभी मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ठीक है। उसके बाद इसे काट देता हूँ। काटने के बाद देखिए दोस्तों, मतलब हमारा जो ऑलमोस्ट जो रिव्यू था ये सॉफ्टवेयर का, वो मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है इसे डाउनलोड करने के लिए, कैसा आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग मिलाना है, वो सब इसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।